नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद टच लाइव ब्यूटी चैनल में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। कोरोना वायरस का कहर चारों तरफ फैला हुआ है। चीन के बाद अब भारत में भी इस खतरनाक वायरस ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। अब तक भारत के कई राज्यों में कोरोना वायरस के मरीज पाए गए हैं। WHO ने कोरोना को इंटरनेशनल वायरस घोषित कर दिया है। यह वायरस चीन के एक शहर वुहान से शुरू हुआ है, इसलिए अब चीन के वुहान को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। लोगों में इस वायरस को लेकर काफ़ी भय फैला हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कोरोना वायरस कैसे फैलता है और इसे किस प्रकार बचा जा सकता है। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल टच लाइव ब्यूटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये वायरस चीन की एक सी फूड मार्केट से शुरू हुआ है। ये वायरस एक संक्रमित रोग से जो एक दूसरे के संपर्क में आने पर होता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि चमगादड़ से कोरोना वायरस फैलता है, क्योंकि चीन के लोग चमगादड़ का सूप पीना काफ़ी पसंद करते हैं। इसलिए चीन के लोगों में चमगादड़ से कोरोना वायरस उन लोगों में प्रवेश कर गया और अब यह एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा है। कोरोना वायरस को लेकर शहर में नए नए अपडेट रोज आ रहे हैं। पहले इस वायरस के बारे में कहा गया था कि यह सी फूड खाने से फैलता है, जबकि WHO ने इस बात की संभावना जताई है कि यह वायरस परिवार के लोगों में एक दूसरे के संक्रमण से फैलता है। किसी संक्रमित व्यक्ति के छूने और फिर उसके मुंह, नाक या आंखों को छूने से भी यह वायरस फैल जाता है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लोगों को संक्रमित व्यक्ति से दूर रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा भीड़ में जाने पर आप अपने हाथ पैर को अच्छी तरह से धो लें। अगर आपको सर्दी खांसी हो गई है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बनी है। इसका बचाव और सुरक्षा ही इसका एकमात्र उपाय है। इसके अलावा आप एक आयुर्वेदिक उपचार अपनाकर भी कोरोना वायरस से बच सकते हैं। इसके लिए आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए पीपल, काली मिर्च और सौंठ का 5 ग्राम पाउडर, तुलसी के पत्ते 4 से 5 लेने हैं और इसे 1 से 1.5 लीटर पानी में उबाल लें। जब तक पानी घटकर आधा लीटर न रह जाए तब तक पानी को उबालते रहें। फिर इस पानी को एक बोतल में डाल लें और धीरे धीरे इसे पीते रहें। इससे आपको कोरोना वायरस से बचने में काफ़ी आसानी होगी। तो ये थी दोस्तों कोरोना वायरस से जुड़े एक महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो कॉमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों।